आज मैं बेसन का ढोकला बनाऊंगी और बेसन का ढोकला आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम में आते हैं और ये बर्तन। इसमें सबसे पहले मैंने एक कटोरी बेसन लिया, आप बेसन ले लीजिएगा, और ये बेसन मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि इस बेसन से ही हमारा ढोकला बनेगा। अब क्या क्या चीज़ें इसमें काम में आएंगी उसके लिए मैं बता रही हूँ। ये मैंने तड़के के लिए राई ली है, ये हल्दी, ये सोडा, खाने वाला सोडा एक पिंच मैंने हींग लिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, यदि आप चाहें तो हरा नारियल यानी जो नारियल होता है उसको कस करके ग्रेट करके भी आप काम में ले सकती हैं, मैंने सूखा नारियल का बुरादा लिया है। कुछ मैंने हरी मिर्च काट ली हैं जो मैं तड़के के अंदर लूँगी इसको काम में, करी पत्ता, हरे धनिए के लीव्स हैं, कोरिएंडर लीव्स, चीनी ली है मैंने, ये चीनी जो तड़का लगाएंगे उस समय बाद के लिए है, ये मैंने टाटरी ली है 1/2 चम्मच से ज़्यादा, 3/4 मैंने टाटरी ली है। टाटरी के देखिए क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, बाजार में सरलता से मिल जाती है, इसको नींबू का सत भी कहा जाता है। 2 चम्मच चीनी लेकर के मैंने थोड़ा पानी डाल के रख दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए, इसमें घुल जाए, और ये मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं घटा सकती हैं। पानी लिया है मैंने 500 ग्राम के करीब। इसमें काम आने के लिए बर्तन को एक ऐसा बर्तन लीजिए, यदि आपके पास ढोकला बनाने वाला प्रॉपर बर्तन है तो बर्तन लीजिएगा, अदरवाइज जैसे मैंने ये भिगोना लिया है, एक बड़ा भिगोना लिया, और इसमें मैंने 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है, और इसमें मैं एक ऐसा तले का थोड़ा खुला सा रखूँगी बर्तन, जिससे कि इसमें जो बर्तन रखा जाएगा जिसमें मैं सारा पेस्ट डाल करके रखूँगी, इस बर्तन को मैंने ऐसा लिया है जो मैं सरलता से इसके अंदर रख सकूँ, क्योंकि ये स्टीम से ही बनेगा, और स्टीम बनने के लिए आप हमें ज़रूरत है पूरी कि ये इसके अंदर जाए, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, तो मैं इसको पानी को बॉयल होने के बाद इस पेस्ट को डाल के इसको ऐसे रखूँगी और फिर इसको एक ऐसे बर्तन से कवर कर दूँगी जिससे स्टीम बाहर ना जाए, और 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, यदि आवश्यकता हुई तो 15 मिनट भी हो सकती है, क्योंकि उस समय हम इसको चेक करेंगे कि सही तरीके से हमारा ढोकला, हमारा खमन जो है वो बन गया है या नहीं। तो देखिए ये बर्तन है, इसको मैंने गैस पर रख दिया और अभी हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाला और नमक डाला, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला, और अब इसको लेकर के मैं ये इस तरह से मिलाऊंगी। ये जो चीनी मैंने ली थी बाद में तड़के के लिए, उसमें भी मैं पानी डाल के रख दूंगी ताकि ये उस समय तक मेल्ट हो जाए, साथ ही जो टाटरी है टाटरी के अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। देखिए ये ढोकला जो है, आप सब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ढोकला, बेसन का ढोकला राजस्थान और गुजरात दो जगह में ज़्यादा खाया जाता है, विशेष तौर से ये गुजराती व्यंजन है, गुजरात और राजस्थान की सीमा मिलने के कारण राजस्थान में वो इतना पॉपुलर है। इसको करने के बाद ये मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाऊँगी, इसका पेस्ट न गाढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा पतला, इसमें मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगी, क्योंकि पानी मेरे पास यहाँ इसके अंदर भी है और शुगर में भी है, तो ये पानी भी इसी में जाएगा, इसलिए इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये घुल जाए। सोडा हम सबसे लास्ट में जब हम बनाने वाले होंगे, जब हम इसको रखना पानी के ऊपर इसमें रखना चाहेंगे तब करेंगे, तब इसको मिक्स करेंगे। अभी मैं यहाँ गैस जला देती हूँ ताकि ये पानी इसमें
गर्म हो जाए और हम उसके अंदर अपना पेस्ट डाल सकें। इस पेस्ट को हमें फेंटना भी होगा, फेंटा जाएगा उतना अच्छा होगा। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आप चाहें उसको फेंटिएगा। देखिए मेरा ये मेल्ट होने लगा है टाटरी। इस टाटरी को जैसे ही टाटरी घुल जाएगी मैं इस टाटरी को भी इसमें मिलाऊंगी। अगर आपके पास टाटरी नहीं मिलती है आप नींबू डाल सकते हैं, और खाने का सोडा तो सरलता से मिल ही जाता है। दही और नींबू का प्रयोग करके भी ढोकला बनाया जाता है। शुगर ये भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें शुगर के क्रिस्टल नहीं जाने चाहिए, इसका पानी जाना चाहिए। नहीं तो जहाँ जहाँ शुगर का क्रिस्टल जाएगा रहेगा वहाँ से ढोकला नहीं फूलेगा, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि इसका पानी ही डाला जाए या पहले से भिगो करके रख दी जाए ताकि वो मेल्ट हो जाए, और नहीं तो हम इसके ऊपर का पानी डालेंगे उसमें मिठास के लिए। ये देखिए मेरा टाटरी वाला पानी, टाटरी जो है वो बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। मेरा ये पेस्ट मैं इसको फेंट रही हूँ। देखिए फेंटने से जो गाढ़ापन था वो पतलेपन में आने लगा है, थोड़ा सा इसमें लोच आ गया है, और ये हाँ देखिए मैंने इसमें टाटरी का पानी मिला दिया, और अब मैं ये चीनी का पानी भी मिला रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा मिठास आ जाए। ये इसमें मिल गया, धीरे धीरे मिलाइएगा। पेस्ट का ध्यान रखेंगे अधिक गाढ़ा भी ना हो और ना ज़्यादा पतला हो, और चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। अभी हमने सोडा नहीं मिलाया है, सोडा हम एकदम आखिर में मिलाएंगे जब हमें अपना पेस्ट पानी के अंदर रखना होगा स्टीम में। मेरा पानी भी इसमें गर्म हो गया है। अब देखिए ये पेस्ट देखिएगा, पकोड़े का या ब्रेड पकोड़ा जो बनाते हैं उतना गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं अंत में सोडा जो 3/4 चम्मच है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसमें कोई गांठ ना रहे, और मैं ये सारा इसमें डाल दूँगी। सोडे की इसकी जगह, खाने वाले सोडे की जगह आप इनो वगैरह भी डाल सकती हैं। मेन मकसद है इसका इसमें पफी होना, फूलना। ये देखिए आप देखिए पेस्ट लगभग दुगना हो गया है सोडा डालते ही। अब इसको मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रखूँगी, और अपनी इस प्लेट में जिसको जो पहले से मैंने ग्रीस की हुई है उसके अंदर डाल दूँगी। और इसको फैला दूँगी, इसको थोड़ा हम खाली रखेंगे क्योंकि ऊपर से ये फूलेगा और फूल करके ऊपर तक आएगा। मैंने इसमें रख दिया है और अब ये फूलना शुरू हो गया है। देखिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसको बंद करके रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो गई है, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम चाकू से कर सकते हैं या कोई स्टिक लेकर कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये पक गई है। पकने का जो टाइम है वो क्वांटिटी के आधार पर होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है तो पकने में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर कम मटेरियल है तो कम समय लगेगा। अब ये देखिए हमारा हो गया, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब इसके निकालने के लिए हमें बड़ी सावधानी से निकालना होगा क्योंकि इसमें स्टीम है चारों ओर,
और स्टीम होने के कारण ये और फूला हुआ भी है तो हमें थोड़ा सावधानी से निकालना होगा। इसके लिए हम किसी इस तरह की चीज़ के बर्तन उसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम आसानी से निकाल सकें। देखिए मैंने निकाल लिया है और आप देखेंगे कि ये फूल गया है, पूरा डबल हो गया है जितनी मात्रा हमने रखी थी। अब इसके पीसेस हम कर लेंगे, थोड़ा ठंडा सा होने दें। इसको चारों ओर से निकालने के लिए हम इसको इसके किनारों को नाइफ से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेंगे और इसके पीसों को ऐसे काट करके बाहर निकाल लेंगे। या हम चाहें तो इसको इसमें भी उल्टा कर सकते हैं, आप किसी भी बर्तन के अंदर लेकर के उसके अंदर उल्टा कर सकते हैं। मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूँ, इसी में ही इसको जैसा पीस आप काटना चाहें वैसा काट लीजिएगा। इतनी देर में हम यहाँ पर अपना तड़का भी तैयार कर लें। तड़के के लिए मैंने एक चमचा, बड़ा चमचा ऑयल लिया है। आप रिफाइंड ऑयल है, आप भी रिफाइंड ऑयल लीजिएगा क्योंकि घी वगैरह लेने से वो जम जाएगा, इसलिए रिफाइंड ऑयल लीजिए। और इसको हम जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसको पीसेस में काट लेते हैं जैसा हम चाहेंगे। देखिए कितना पफी हो गया है, बहुत अच्छा फूल गया है। चौकोर पीस में हम इसको काट लेंगे, बड़ा छोटा जैसा भी आप चाहें। इधर मेरा ऑयल गर्म हो गया। अब ये जो हमने चीज़ें रखी थी नारियल बुरादा को छोड़ करके हम बाकी सभी चीज़ों का इसमें करें प्रयोग करेंगे। अब ये सीड्स हैं राई के, इसको हम इसमें डाल दें। देखिए ये चढ़कने लगे हैं। जैसे ही ये ब्राउन होंगे मैं इसके अंदर हरी मिर्च जो मैंने दो दो पीसेज में कर ली है, क्योंकि बड़ी पूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे भी नहीं खा पाते, बड़े भी नहीं खा पाते हैं। जो खा पाएँ वो बड़ी भी रख सकते हैं, पर उसके अंदर एक चीरा लगा दीजिएगा ताकि वो इसमें ऑयल में जा कर के फूटे नहीं, नहीं तो वो ऑयल में जा कर फूटती है तो जो काम कर रहा है, खाना बना रहा है, उसके ऊपर ही कुछ आकर के उसके छींके लगते हैं। राई के होते ही मैंने ये इसमें डाला। आप भिंडी हो गए भिंडी तक का हम इसको थोड़ा सा इसका चलता सा निकल जाएगा, साथ ही करी पत्ता जो लीव्स मैंने ली थी वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसके होने देती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा देगी मिर्च भी डाल देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा रंग आ जाएगा जब हम उसमें डालेंगे। और ये मेरा चीनी का पानी है, चीनी के अगर क्रिस्टल्स इसमें चले जाएँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी गर्म है और गर्म के अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगा, तो मैंने ये सारा चीनी का पानी भी डाल दिया। अब इस पानी की मात्रा को आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, आप इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप उसमें डालिएगा, अगर आप उसको पानी वाला बनाना चाहते हैं तो पानी वाला बनाइएगा, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसको चलने दीजिए, कम डालिएगा पानी। अब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, बॉयल आते ही हम इसको ये हमारा तैयार हो गया। देखिए ये हमारा तैयार है, आप देखेंगे। अब इस पर मैं थोड़ा सा ये बुरादा डाल करके, नारियल बुरादा, नारियल का चूरा पाउडर डाल करके, और
इसको डालूंगी, इसको देखिए ये बन गया। आप पूरा पानी डालना चाहें इसका हल्का पूरा डाल दीजिएगा, सारे में फैला दीजिएगा ताकि ये इसके अंदर अंदर तक चला जाए। अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे, ये देखिए आप देखेंगे कितना पफी है। आप देखिएगा कितना स्पॉन्जी है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। विभिन्न तरीके से बनाया जाता है, ये केवल मैंने बेसन का बनाया है, मगर बेसन के साथ आप थोड़ी सी सूजी डाल करके भी बना सकते हैं। ये ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट होगा, बहुत ही अच्छा पफी स्पॉन्जी। आप खाइए और उनको खिलाइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कुछ और नहीं आ जाएगा।